चौथा प्रश्न डिफरेंशिएशन, हमें एक पार्ट का यहाँ मौजूद होना चाहिए, इस चीज को हम टी मानेंगे प्रतिस्थापन के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों में से तो हम इसको तो मान सकते हैं, इसे तो मान नहीं सकते हैं सीधा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट है इसका साइन एक्स साइन का। तो या तो इसे माने या फिर इसे माने। इससे तो हम इसे अगर मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हम इसको मान लेंगे। तो जो डिफरेंशिएशन आएगा वो डी एक्स के साथ मिल जाएगा, इसलिए हमारा ये काम हो जाएगा, हम इसे ना मान के इसे मानेंगे। तो पहले तो i बराबर माना i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स। अब इसमें मानना है कॉस एक्स बराबर टी। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स और एक्स का डी एक्स और डी टी। तो आई बराबर यहाँ आना चाहिए, यहाँ साइन एक्स और डी एक्स को की जगह हम डी टी रखेंगे, साइन और इसकी ये टी, साइन टी का हो जाएगा। अनुमान पहले ही लगते हैं, मानक रूप भी होना चाहिए और प्रतिस्थापन भी होना चाहिए सही। तो ये होना चाहिए हमारा साइन टी और डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन का है हमारा माइनस कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू रखेंगे तो आई बराबर आएगा माइनस कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर जो है वो क्या आएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी।